ये प्यारी सी प्रश्न थी। और स्काउट की छात्रा पूजा के नेतृत्व में किया है और COVID-19 के दौरान उत्कर्ष कार्य करते हुए आपने ये गौरव आज आपके द्वारा किया गया। आपका जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत सम्मान। उसके बाद श्री शिवम पुत्र श्री संजय धीवा चराना सरिया, अनिल राणा सरिया के पुत्र मोदियों की जाओ, पश्चिमी चंद्र अंतर विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 में क्रिकेट में उत्कृष्ट खेल का आपने प्रदर्शन किया। आपका जिला प्रशासन की तरफ से आज यहाँ बहुत करके धीरेन्द्र को यहाँ गौरव दिलाया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद महेंद्र मूंग तहसीलदार है झुंझुनू, और आपने भी बहुत बेहतरीन सेवाएं देकर आपका यहाँ आज ये सम्मान का दिन। अशोक जी जी के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अस्पताल झुंझुनू, जिन्होंने RT-PCR नोडल अधिकारी के रूप में कोविड सैंपल समयबद्ध टेस्टिंग में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। उम्मीद करूंगी कि आज़ाद भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसको आज हम साकार कर पाएँ, और भारत के तरक्की और प्रगति में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, तमाम लोगों का योगदान रहा है, उनको भी अपनी तरफ से आज याद करना चाहूँगी। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार प्रगति और तरक्की की तरफ चल रहा है। झुंझुनू जिले में बहुत से नवाचार हुए, चाहे कॉलेजों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो। मैं नमन करना चाहूँगी उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनके परिवारों को हिम्मत और हौसला देने की ईश्वर से कामना करूँ। देखिए, तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, आरोपी अध्यापक को पकड़ लिया और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं निंदा भी करूंगी और ऐसे शिक्षक को ये कहना चाहूंगी कि आज जब हम 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग आज रह रहे हैं, उनको अपनी विचारधारा बदलनी होगी। देश के प्रदेश की तरक्की के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। ये छुआछूत, ये भेदभाव, इस तरह की नीतियों से आगे आके हम इस देश को आगे ला सकते हैं। आज हम एक तरफ से चांद पे जाने की बात करते हैं, हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इस देश को आगे बढ़ाया, उसी समय पे इस तरह के लोग भी घरों के अंदर रह रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।